हाय एवरीवन, नर्सिंग लेक्चर चैनल के इस हिंदी वर्जन में मैं डील करूंगी नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में। और ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है जो कि सभी नर्सिंग कोर्सेज के अंदर, मिडवाइफरी सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मल मैकेनिज्म बताने से पहले मैं वो सारे जनरल कंडीशन के बारे में बताऊँगी जिसमें कि एग्जैक्टली फीटस जो होता है वो लाई करता है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको जानना जरूरी है कि उससे पहले मैं आपको कार्डिनल जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं उसके बारे में बताऊं। तो यहाँ पे जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं पहले उसके बारे में हम देखते हैं। और सबसे पहले आता है लाई। लाई नॉर्मल लेबर के अंदर लॉन्जिट्यूडनल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी फीटस का जो ये लॉन्ग एक्सेस होता है ये मदर के स्पाइन के साथ में पैरेलल होता है, सो इसे कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल लाई। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन यानी फीटस की बॉडी के अंदर वो पार्ट जो कि यूट्राइन कैविटी के अंदर लोअर पोल को ऑक्यूपाई करता है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फीटस की बॉडी के अंदर ये हेड पार्ट है जो कि लोअर पोल को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इस पार्ट को बोलते हैं सिफेलिक। सो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन जो होता है इसे कहते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटिंग पार्ट। और प्रेजेंटिंग पार्ट वो होता है जो कि थ्री एरियाज बनाता है इस प्रेजेंटेशन के अंदर, जो कि इंटरनल ओस को लाई करता है। और नॉर्मली तीन एरियाज होते हैं जिसे बोलते हैं वर्टेक्स, देन आता है ब्रो और फेस, और सबसे कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है इसे कहते हैं वर्टेक्स जो कि पेल्विक ब्रिम के अंदर एंगेज करता है। सो प्रेजेंटिंग पार्ट जो सबसे कॉमनेस्ट होता है इसे कहते हैं वर्टेक्स। फिर आता है एटीट्यूड। और नॉर्मली जो एटीट्यूड होता है ये होता है कंप्लीट फ्लेक्शन, जिसमें सारे जॉइंट जो होते हैं ये फ्लेक्स्ड होते हैं। और इसके बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन ये होता है कि कम्प्लीटली एक दूसरे से क्लोजर होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट फ्लेक्शन। देन इसके बाद आता है डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर क्या होता है कि इस प्रेजेंटिंग पार्ट पे जो बोनी फिक्स्ड एरिया होता है जो कि मेटरनल पेल्विस के रिलेशन में आता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। और ये बोनी फिक्स्ड पॉइंट होता है ऑक्सीपिट जो कि मदर के पेल्विस के कॉन्टैक्ट में आएगा। इसके बाद आता है कॉमन पोजिशन। और ये डिनोमिनेटर मदर के पेल्विस के कॉन्टैक्ट में आठ पोजिशन में आता है। सो सबसे कॉमन पोजिशन जो बनती है उसे कहते हैं LOA यानी लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर। और ये जो पॉइंट होता है ये मेटरनल पेल्विस पे लेफ्ट साइड में इलियोपेक्टिनल एमिनेंस पे होता है। और दूसरी जो कॉमन पोजिशन होती है इसे कहते हैं ROA जो कि राइट साइड ऑफ इलियोपेक्टिनल एमिनेंस पे ऑक्सीपिट लाई करता है। सो नॉर्मल मैकेनिज्म में ये सबसे दो कॉमन पोजीशन होती है LOA और ROA। और इन दोनों के अंदर भी जो सबसे कॉमनेस्ट होती है इसे कहते हैं LOA। सो ये सारे बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कि एक नॉर्मल मैकेनिज्म से पहले आपको जानना जरूरी है। सो लाई है लॉन्जिट्यूडनल, प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक, प्रेजेंटिंग पार्ट इज वर्टेक्स, देन एटीट्यूड इज कंप्लीट फ्लेक्शन, एंड देन द डिनोमिनेटर इज ऑक्सीपिट, और जो पोजिशन है वो है LOA लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। नॉर्मल मैकेनिज्म के अंदर बेसिक कार्डिनल मूवमेंट को जानने से पहले मैं बताऊंगी कि कौन कौन से इसके पीछे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि इन मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं। सो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है दैट इज डिसेंट। और डिसेंट यानी नीचे की ओर लगातार बढ़ना। और ये जो डिसेंट होता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर स्टार्ट होता है और ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर तक खत्म होता है जब तक कि ये बेबी कम्प्लीटली डिलीवर ना हो जाए। सो डिसेंट जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। और सेकेंड प्रिंसिपल होता है कि फीटस की बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट जो कि मैटरनल पेल्विक फ्लोर के कॉन्टैक्ट में आएगा ये सबसे पहले रेजिस्ट होगा, उस फ्लोर के जरिए उसका विरोध किया जाएगा, उसको अपोज किया जाएगा, और बाद में इसको रोटेट किया जाएगा जब तक कि ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे ना आ जाए। तो सेकंड प्रिंसिपल है जो भी फीटस का पार्ट मदर के पेल्विस के कॉन्टैक्ट में आएगा ये पहले रेजिस्ट होगा और उसको अपोज किया जाएगा, देन उसको रोटेट किया जाएगा जब तक ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे ना आ जाए। सो ये जो दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये फीटस के हर बॉडी पार्ट पर एप्लीकेबल हैं। सो ये सारे मैंने आपको प्रिंसिपल्स के बारे में बताया। अब यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बताऊँगी कि कौन से ऐसे नाइन कार्डिनल मूवमेंट होते हैं जिसके ज़रिए फीटल की बॉडी जो है ये
बोनी पेल्विस से होकर गुजरती हैं और अल्टीमेटली ये बाहर आती हैं। सो सबसे पहला जो मूवमेंट होता है इसे कहते हैं एंगेजमेंट। और एंगेजमेंट जो होता है ये पेल्विक ब्रिम के अंदर सबसे वाइडेस्ट डायमीटर जो होता है जिसे कहते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर, जो कि दो इलियोपेक्टिनल लाइन के बीच में होता है और ये 13 सेंटीमीटर होता है। सो इस वाइडेस्ट डायमीटर के अंदर सजाइटल सूचर जो होते हैं ये इसके पैरेलल होते हैं और इसे सिंक्लाइटिज्म कहते हैं। सो यहाँ पे ये एंगेजमेंट होना स्टार्ट होता है। लेकिन सबसे कॉमनेस्ट पोजीशन जो होती है वो होती है LOA, यानी जो ऑक्सीपिट होता है ये लाई करता है लेफ्ट इलियोपेक्टिनेंस पे। सो ये पोजीशन बनती है LOA। और इस कंडीशन के अंदर जो शोल्डर होते हैं ये लाई करते हैं लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर ऑफ पेल्विक ब्रिम, यानी यहाँ से यहाँ तक, और ये होता है 12 सेंटीमीटर। सो शोल्डर जो होते हैं ये लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर में लाई करते हैं और जो ऑक्सीपिट जो कि डिनोमिनेटर है ये रेस्ट करता है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन पे। तो कॉमनेस्ट पोजीशन के अनुसार मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर को बताऊँगी। सो ये है LOA पोजीशन। तो यहाँ पे एंगेजमेंट के अंदर फीटल हेड के अंदर जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर जो कि 10 सेंटीमीटर होता है ये एंगेज होता है, जो कि ऑब्लिक डायमीटर के अंदर लाई करता है। और एंगेजमेंट जो होता है ये प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स जो होती है यानी जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं इनके अंदर 1 or 2 वीक लेबर प्रोग्रेस होने से पहले ही हो जाता है। लेकिन जो मल्टी ग्रेविड वुमेन होती है उनके अंदर मेम्ब्रेन रप्चर होने के साथ में एंगेजमेंट होता है। सो पहला स्टेप है एंगेजमेंट, क्योंकि प्राइमरी ग्रेविड मदर्स जो होती है इनका जो यूट्राइन मसल टोन होता है ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए जो एंगेजमेंट है ये 2 वीक पहले ही हो जाता है। देन एंगेजमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डिसेंट। और डिसेंट एक ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से स्टार्ट होता है और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के एंड तक होता है, यानी जब तक कि बेबी कम्प्लीटली डिलीवर ना हो जाए। तो सेकेंड स्टेप के अंदर ये डिसेंट होगा और इसके रीजंस रहते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में लगातार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं जो कि स्ट्रांग होते हैं, और रिट्रैक्शन होता है यानी जो मसल फाइबर्स होती है ये परमानेंटली शॉर्ट होने लगती है। और उसी के साथ में मदर्स जो होती हैं ये भी एडिशनल एफर्ट्स लगाती हैं कि बेबी जो डिलीवर हो जाए, तो इस एडिशनल एफर्ट्स को बोलते हैं बियरिंग डाउन एफर्ट्स। सो इन सब के साथ में बेबी कंटिन्यूसली डिसेंट होता है। सो सेकेंड स्टेप है डिसेंट। नेक्स्ट थर्ड स्टेप होती है फ्लेक्शन। और क्योंकि ऑक्सीपिट जो होता है ये लीडिंग पार्ट होता है और ये पेल्विक फ्लोर के कॉन्टैक्ट में आता है जिसके कारण उसको एक रेजिस्टेंस फील होता है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस हेल्प करता है इसको स्लाइटली फ्लेक्स करने के लिए। और जब ये फ्लेक्स हो जाता है तो जो प्रेजेंटिंग डायमीटर होता है ये और शॉर्ट हो जाता है, और अब जो लीडिंग प्रेजेंटिंग पार्ट है अब ये है सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मैटिक। सो सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मैटिक जो है अब ये प्रेजेंटिंग पार्ट बन जाता है। सो ये कहलाता है फ्लेक्शन। सो यहाँ पे कंप्लीट फ्लेक्शन हो जाता है। आगे के कार्डिनल मूवमेंट्स को बताने के लिए मैं इस पेल्विस को लाइंग डाउन पोजीशन में लेटी हुई पोजीशन के अंदर रखूँगी ताकि आप इसको इजीली देख सकें। सो नेक्स्ट कार्डिनल मूवमेंट होता है फ्लेक्शन के बाद में, दैट इज फोर्थ, जिसे कहते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। तो इसे यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखें। हेड जो होता है ये 1/8 ऑफ द सर्कल रोटेट होता है और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट क्रिएट होता है नेक के अंदर जो कि लगातार बना हुआ रहता है ये ट्विस्ट। सो 1/8 सर्कल या फिर आप कह सकते हैं 45 डिग्री एंगल पे। इसके बाद होता है नेक्स्ट स्टेप इंटरनल रोटेशन के बाद क्राउनिंग। और क्राउनिंग के अंदर जो ट्रांसवर्स डायमीटर के अंदर वाइडेस्ट डायमीटर होता है जिसे कहते हैं बाईपेराइटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर, ये वल्वल आउटलेट को स्ट्रेच करता है। और इस क्राउनिंग के बाद में जो हेड पार्ट होता है ये कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होने के बाद भी यूट्राइन कैविटी के अंदर वापस से लौट के नहीं जाता है। सो ये स्टेप होता है क्राउनिंग। नेक्स्ट होता है एक्सटेंशन ऑफ हेड, जिसके अंदर वर्टेक्स, उसके बाद ब्रो और फेस और चिन, ये पार्ट जो होते हैं ये एक्सटेंशन मूवमेंट के ज़रिए बॉर्न हो जाता है। इसके बाद आता है रेस्टिट्यूशन। और रेस्टिट्यूशन एक पैसिव मूवमेंट है जो कि
इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और जो नेक के अंदर ट्विस्ट क्रिएट हुआ था वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है। सो ये कहलाता है रेस्टिट्यूशन। एंड देन इसके बाद आता है इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शोल्डर ऑब्लिक डायमीटर के अंदर प्रेजेंट थे वो आप रोटेट होके 1/8 ऑफ द सर्कल सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आ जाएंगे और इसको एक्सटर्नली आप एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड के साथ में देख सकते हैं। सो यहाँ पे 1/8 ऑफ द सर्कल शोल्डर रोटेट होके सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आए हैं और जो हेड है वो एक्सटर्नली मूव हुआ है। सो ये कहलाता है इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। अब यहाँ पे हेड और शोल्डर जो है वो डायरेक्ट अलाइनमेंट पे हैं और ये लैटरली प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है लैटरल फ्लेक्शन, जिसके अंदर जो एंटीरियर शोल्डर होते हैं ये सिम्फाइसिस प्यूबिस से स्वीप कर जाते हैं और जो पोस्टीरियर शोल्डर हैं ये पेरिनियम से एस्केप आउट हो जाते हैं और इस तरीके से जो रिमेनिंग बॉडी होती है ये लैटरल फ्लेक्शन मूवमेंट के जरिए डिलीवर हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के जरिए हमने 9 कार्डिनल मूवमेंट्स के बारे में देखा जो कि नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर होती है LOA पोजीशन के अंदर। इन स्टेप्स को मैं वापस एक बार आपको बता रही हूँ, दैट इज एंगेजमेंट, उसके बाद आता है डिसेंट, फिर होती है फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, क्राउनिंग, देन एक्सटेंशन ऑफ हेड, रेस्टिट्यूशन, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड और उसके बाद आता है लैटरल फ्लेक्शन। मैं उम्मीद करती हूँ ये प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो आप लोगों के लिए नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर को समझने के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड हैं और 3D एनिमेटेड वीडियोस हैं जो कि दोनों लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल हैं, इनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कई और लेक्चर्स के बारे में जानने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जिसका कि लिंक इस वीडियो के एंड में दिया गया है उस पर विजिट करें। थैंक यू।